इंडिया में डेली बेसिस पे जो फूड्स खाए जाते हैं उसमें आता है आपका दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही, और बेकरी प्रोडक्ट्स में अगर देखें तो ब्रेड। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्रेड्स के ऊपर। अगर आप इंडियन मार्केट में जाओगे तो आपको ब्रेड के कई सारे वैरायटीज दिख जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए मैंने तीन सबसे कॉमन ब्रेड्स मार्केट से लिए हैं, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड। तीनों में से कौन सा ब्रेड खाना चाहिए, व्हाइट ब्रेड क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्या ब्राउन ब्रेड सच में हेल्दी होता है, मल्टीग्रेन ब्रेड क्या होता है, और भी कई सारे क्वेश्चन जिसके आंसर मैं इस वीडियो के एंड तक देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट ब्रेड के बारे में। क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने व्हाइट ब्रेड के ऊपर टैक्स लगा रखा है ताकि उसकी डिमांड कम की जा सके। पता प्रॉब्लम क्या इंडिया में, नथिंग अगेंस्ट इंडिया, बट अगर ये बातें मैं इंडिया में बोलूंगा तो पता लोग क्या बोलेंगे, अरे मर्दावा क्या फर्क पड़ेगा उजरा की ब्राउन ब्रेड है ना, एक ही जिंदगी मिला लो मैं जान ले बका तू। फर्क पड़ता है क्योंकि आपको नहीं पता है अंकल जी कि व्हाइट ब्रेड कैसे बनता है। व्हाइट ब्रेड बनता है दो मेन इंग्रेडिएंट से, आपका मैदा और आटा। जो मैदा और आटा हम व्हाइट ब्रेड में यूज करते हैं वो फैक्ट्रीज में केमिकली ब्लीच होता है बहुत ही हार्मफुल केमिकल से, ताकि उसे और व्हाइट कलर दी जा सके और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। कोई भी ग्रेन हो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थ्री पार्ट्स होते हैं, एंडोस्पर्म, ब्रैन और जर्म। लेकिन क्या होता है कि जब हम इन ब्रेड्स को प्रोसेस करते हैं फैक्ट्रीज में, उन हार्मफुल केमिकल्स की वजह से ये थ्री इंपॉर्टेंट में से दो बहुत ही मेन चीज़ें हट जाती हैं, आपका ब्रैन और जर्म। ब्रैन जो रहता है वो उसमें फाइबर रहता है, फाइबर का कंटेंट ज़्यादा रहता है। जब ब्रैन आपके शरीर में जाता है तो आपको पता रहता है हाँ भाई मेरा पेट भर गया है, अब मुझे काफ़ी देर तक अब कुछ खाना नहीं है। अब जर्म जो रहता है उसमें इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल रहता है, और जो बच गया एंडोस्पर्म उसमें क्या होता है कि वो उन खराब केमिकल्स की वजह से उसमें जो प्रोटीन की मात्रा रहती है वो खराब हो जाती है, जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। और इस केमिकल प्रोसेस की वजह से जो ब्रेड के जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो हट जाते हैं। जैसे कि ये हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो नेचुरल चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट करती है, प्रोसेस करती है, एज कम्पेयर टू जो फैक्ट्रीज में प्रोसेस गुड्स होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप प्रोसेस गुड्स खाते हैं तो आपके जो ब्लड शुगर लेवल होते हैं उसमें बढ़ोतरी आ जाती है, वो स्पाइक हो जाती है, और आपको लॉन्ग टर्म में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा हो जाता है। तो घुमा फिरा कर बोलूँ तो आपको वाइट ब्रेड अवॉइड करना चाहिए, अच्छा नहीं रहता आपके हेल्थ के लिए। अब आप कहोगे कि भाई अगर ऐसी ही बात थी तो इतना भूमिका क्यों निभाया, इतना कहानी क्यों बताया, सीधे सीधे बता देते हम नहीं खाते। लेकिन भाई आपको मैं चाहता हूँ कि आप खुद से एनालाइज करो, आपको मैं सारी फैक्ट्स दे दूँ और आप फिर खुद से डिसाइड करो कि आपको क्या खाना है। मैं चाहता तो शुरू में ये बोल के निकल जाता हाँ भाई व्हाइट ब्रेड नहीं खाना है, लेकिन फिर आप मेरे बातों पर ट्रस्ट नहीं करते ना, इसीलिए मैंने इन पूरी प्रोसेस को आपके सामने रख दिया कि कैसे व्हाइट ब्रेड बनता है। तो चलिए अब दूसरे कैटेगरी ऑफ ब्रेड के बारे में बात करते हैं, जिसे कहते हैं सो कॉल्ड हेल्दी ब्राउन ब्रेड। आपने देखा होगा जो लोग जिम जाने लगते हैं या फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं वो लोग स्विच कर जाते हैं व्हाइट ब्रेड से ब्राउन ब्रेड पे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्राउन ब्रेड बहुत ही हेल्दी है। बट क्या सच में हेल्दी है, चलिए पता करते हैं। ब्राउन ब्रेड क्या होता है, ब्राउन ब्रेड बस आपके व्हाइट ब्रेड का एक एक्सटेंशन होता है। व्हाइट ब्रेड में आपने ब्राउन कलर का डाई यूज कर दिया, कलरिंग प्रोसेस कर दी, तो वो ब्राउन बन गया। डेफिनेटली ब्राउन ब्रेड व्हाइट ब्रेड से अच्छा होता है ये मैं कहूँगा, क्योंकि ब्राउन ब्रेड की जो प्रोसेसिंग होती है केमिकल्स में वो कम होती है, और उसमें से जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम निकल के बाहर जाते हैं। तो ब्राउन ब्रेड आप चाहे तो ले सकते हो, लेकिन 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 क्या आप कभी भी ब्रेड लेते टाइम उसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को पढ़ते हो? नहीं ना, गलती करते हो। उसकी इंग्रेडिएंट्स को देखो, और अगर इंग्रेडिएंट्स में कहीं भी मैदा लिखा है या फिर अगर उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पे पहले नंबर पे होल शब्द नहीं लिखा है, WHOLE, अगर होल नहीं लिखा है तो वो ब्राउन ब्रेड आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो भी व्हाइट ब्रेड से कोई बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रेड नहीं है, क्योंकि वो भी केमिकल से प्रोसेस हो गया है और उसके जो नेचुरल ग्रेन्स है वो केमिकल्स के थ्रू फैक्ट्रीज में ही निकाल दी गई है। तो अगर आप ब्राउन ब्रेड लेने जा रहे हो तो सबसे पहले उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक करो कि उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट पे कहीं मैदा लिखा है कि नहीं। अगर मैदा लिखा है तो भाई मतलब, और उस पर ये लिखा रहना चाहिए 100% होल व्हीट ब्रेड। फिर से मैं बोल रहा हूँ 100% होल व्हीट ब्रेड, या फिर उसके इंग्रेडिएंट्स में जो सबसे पहले नंबर पर लिखा रहेगा होल शब्द। अगर होल शब्द नहीं लिखा है तो भाई मतलब वो ब्राउन ब्रेड क्या बोलते हैं मत खाओ। तो अब बात करते हैं तीसरे टाइप के ब्रेड के, जिसे कहते हैं मल्टीग्रेन ब्रेड। अब इस ब्रेड के बारे में मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि बहुत लोगों को पता होगा, बट आप लोगों को बता दूं कि मल्टीग्रेन ब्रेड वो ब्रेड होता है जिसमें दो या तीन से ज़्यादा ग्रेन्स यूज होते हैं। तो जैसे आपका हो गया व्हीट, हो गया आपका
फ्लर हो गया और आपके ओट्स हो गए, इन सबको मिला करके आपका मल्टीग्रेन ब्रेड बनता है। अगेन आप कहोगे कि मल्टीग्रेन ब्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, भाई इसमें भी सेम रूल अप्लाई होता है। अगर उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट पे कहीं होल नहीं लिखा है, अगेन बोल रहा हूँ मैं, होल होल ग्रेन लिखा रहना चाहिए, होल व्हीट ब्रेड या 100% होल व्हीट, अगर नहीं लिखा है तो भाई वो अच्छा नहीं है। अब इस पर्पस के लिए मैं सुपरमार्केट गया था, वहां जाकर के मैंने कई सारे ब्रेड्स को देखा, तो मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पे मुझे 100% होल ग्रेन ब्रेड नहीं मिला, वो सभी रिफाइंड ब्रेड्स थे। मैंने 3 ब्रेड्स लिए थे, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड, बट कोई भी अच्छा नहीं था। अगर आप नेट पे चेक करोगे तो आपको पेटीएम मॉल पे या फिर bigbasket.com पे ब्रिटानिया का 100% होल व्हीट ब्रेड दिख जाएगा। अगर आपके लोकेशन में उसकी डिलीवरी आती है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसे ही ऑर्डर करके खाओ, या फिर अगर आपकी ऑफलाइन स्टोर्स में या जहां भी आप रहते हो वहां पे अगर आपको 100% होल व्हीट ब्रेड मिलता है तो आप उसी को खाओ एज कम्पेयर टू व्हाइट ब्रेड और सो कॉल्ड ब्राउन ब्रेड। तो अगर हम रिकैप करें इस पूरे वीडियो को तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जब भी आप ब्रेड लें तो उस पर आपको 2 या 3 चीजें हमेशा चेक करने चाहिए। सबसे पहले कि उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको देखना है, क्या उसमें मैदा है, अगर है तो मत लो, उसमें क्या 100% होल व्हीट ग्रेन लिखा है कि नहीं, होल शब्द लिखा रहना चाहिए, अगेन रिपीट कर रहा हूँ होल शब्द, और उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी मतलब आप उस ब्रेड को कितने दिन तक यूज कर सकते हो। हर ब्रेड की एक शेल्फ लाइफ होती है, आप उसे 10 दिन ऐसे नहीं चला सकते, वो 3-4 दिन से ज्यादा नहीं चलता है, तो आपको वो हमेशा देख करके चेक करके ब्रेड को खरीदना चाहिए। तो गाइज ये थी वीडियो, एक डिटेल्ड वीडियो ब्रेड्स के ऊपर, और आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फिटस्पॉट को। अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।